हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूड्स नापलो दुनिया पर। आज हम हैं बनारस में। आपको पता होगा हम बनारस क्यों आए हैं, क्योंकि आज से दो दिन बाद 30 तारीख को देव दीपावली है और हम आपको यहां से भव्य देव दीपावली दिखाने वाले हैं पूरी तरीके से। तो अभी आज हम इसलिए दो दिन पहले आए कि हम यहाँ पर जो भी जितनी भी तैयारियाँ हो रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसके द्वारा इस प्रोग्राम को बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। यूपी सरकार इसको बहुत ही भव्य बनाने को जुटी हुई है। तो हम भी आपको यहाँ पर जितनी भी तैयारियाँ इस देव दीपावली को लेकर चल रही है, वो हम चाहते हैं कि हमारे भी दर्शक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो देखें। तो इसलिए हम ट्रेवल फोर्स यहाँ पहले आ गए। दशाश्वमेध घाट पे हैं और ये देखिए पब्लिक है। कोविड को देखते हुए तभी पब्लिक यहाँ पर ठीक ठाक है। और ये इंडिया गेट जो हमेशा की तरह यहाँ बनता था वो बन रहा है और घाट को धुला गया है। शाम को आरती होगी भव्य। और ये जो झंडी वगैरह है यहाँ पर, और ये देखिए सब झंडे वगैरह नए लगाए गए हैं, परसों देव दीपावली है इस वजह से। और पुलिस फोर्स भी आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बड़ा आयोजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको आगे की कहानी बताते हैं कि और क्या तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लोग इस समय हैं पांडे घाट पे और ये जो घाट अभी आपको खाली दिखाई दे रहे हैं जस्ट दीपावली से दो दिन पहले, आज 28 तारीख को, वो आपको परसों मतलब देव दीपावली के दिन पूरी तरीके से बिल्कुल दीपों से जगमग दिखाई देंगे। अगर आप दूर दूर तक देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से तो देखिएगा आपको पेंट वगैरह होता हुआ दिख रहा है। और इन्हीं जो ये घाट अभी खाली पड़े हुए हैं बनारस के, इन्हीं पे परसों 15 लाख दिए जलेंगे और इस देव दीपावली के आयोजन को और भव्य और रिकॉर्ड तोड़ बनाया जाएगा। तो हम आज आपको देव दीपावली की जो तैयारियां हैं उससे संबंधित वो दिखा रहे हैं बनारस के घाट। अभी जो आपको इतना सन्नाटा दिखाई दे रहा है, आपको परसों ये सब यहाँ कुछ भी नहीं नजर आएगा, ये बिल्कुल खचाखच भरा होगा VIP से, VVIP से और साधारण पब्लिक से। बनारस यही तो बात है। देखिए ये हम लोग किस घाट पे आ गए प्रदीप, ये कौन सा घाट है प्रदीप? दिगपतिया घाट है। और दिगपतिया घाट पे आ गए हैं हम लोग। अभी आपने बनारस की जो भाषा है शायद वो रिकॉर्ड हो गई है, सुनी होगी। देखिए सभी लोग तैयारियों पे लगे हुए हैं, देव दीपावली की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। ये है बनारस का दिगपतिया घाट। देखिए देव दीपावली की तैयारियां यहाँ पर भी चल रही हैं, घाटों को सजाया जा रहा है। दिगपतिया घाट, हम आपको पूरे घाट पैदल पैदल घुमा रहे हैं हम आपको पूरे घाट। और ये आ गए हम लोग 64 घाट पे। ये देखिए ये जो सारे घाट हैं देव दीपावली के दिन मतलब परसों बिल्कुल दीपों से जगमग होंगे। तो अभी भी आपके पास समय है, आप बनारस आ सकते हैं और देव दीपावली का आनंद उठा सकते हैं। इसलिए मैं आज आया हूँ और लगातार आपको 3 दिन यहाँ से गंगा जी के लाइव दर्शन कराता रहूँगा और देव दीपावली की तैयारियों से लेकर देव दीपावली का लाइव दर्शन आपको कराऊँगा। बनारस की कुछ बात ही अलग है निराली में। देखिए ये सारे जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं नीचे तक गंगा जी तक बिल्कुल दीपों से जगमग रहती हैं, सज जाती हैं। और उस दिन अगर आप आना चाहते हैं देव दीपावली के दिन तो यहाँ जल्दी ही आ जाएं क्योंकि एंट्री भी क्लोज होगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं।
हम लोग आ गए हैं दरभंगा घाट, दरभंगा घाट पे आ गए हम लोग। देखिए यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा गंगा जी का। ये सारे घाट सस्ते हैं, जितने भी घाट हैं यहाँ 80-10 समेत, उधर राजघाट से लेके 80 तक सारे घाटों पर बढ़िया दीपों का आयोजन होता है। और इस बार सामने जो रेत है उस पर आप देख रहे होंगे तो उस पर भी दीपक लगाए जाएंगे और वहाँ पर रेत से कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी। ये बनारस का ब्रिजरामा होटल है जो कि बनारस का सबसे महंगा होटल है। दोस्तों देख रहे हैं आप इसकी खूबसूरती, महल नुमा बना हुआ है ये होटल। अब हम लोग आ गए हैं मुंशी घाट पर। प्रधानमंत्री जो हैं वो राजघाट में आएंगे और राजघाट से शायद नौका से ही पूरे घाटों का भ्रमण करेंगे। घाटों को देखिए और आनंद लीजिए। और हम यहाँ देव दीपावली तक रुकने वाले हैं और हमारे साथ आप पूरी देव दीपावली को अच्छे से देखिएगा और बनारस को अच्छे से हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे साथ में। भीड़ आ गई है, भीड़ आ गई है, नीचे से निकल चलो। देखिए आरती की तैयारी चल रही है और हम लोग आज शाम को आपको लाइव आरती दिखाएंगे यहाँ से, बनारस से काशी गंगा मैया की लाइव आरती। तो बहुत ही बालू इकट्ठा की जा रही है। इसमें कई अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे और रेत पर अपनी कलाकृतियों को उकेर कर और इस जो देव दीपावली के आयोजन को है वो और भी भव्य बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो उसी में एक नया आयाम को जोड़ते हुए ये बालू से इस बार कलाकृतियाँ जो बनाई जा रही हैं यहाँ पर देव दीपावली पर और इस आयोजन को और भी भव्य किया जा रहा है। अभी वैसे यहाँ कुछ बना नहीं है, अभी यहाँ प्रोग्राम चल ही रहा है तो आप देख रहे हैं तैयारियाँ कितनी जोरों शोरों पे चल रही हैं। जेसीबी लगी हुई है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगा हुआ है कि डिस्टर्ब ना हो इनको, और इधर पब्लिक को भी शायद अभी आने नहीं दिया जा रहा जब तक कि यहाँ पूरी सजावट वगैरह नहीं हो जाती है। फाइनली घूम घाम के हम लोग आ गए हैं फिर से दशा समेत घाट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय आरती का वक्त हो रहा है। आज हम लोगों ने आपको कई घाट पर घुमाया और दिखाया कितने साफ सुथरे घाट कर दिए गए हैं देव दीपावली की वजह से, और उन्हीं पे वो 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। और इसके साथ ही हमने आपको दिखाया कि कैसे गंगा के उस पार रेत से कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी प्रधानमंत्री के आने पे। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे हमने आज का वीडियो आपको दिखाया है वैसे ही हम कल आपको यहाँ की अलग जो तैयारियाँ आज से ज़्यादा होंगी वहाँ, कल तो एकदम मेरे ख्याल से आखिरी दौर की तैयारियां होंगी, तो जो भी होंगी वो 29 तारीख की तैयारियां कल हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे साथ देव दीपावली अगर आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं और हमारे ही चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।